हेलो एवरीवन, कमलेश चंदू कुकिंग आर्ट एंड क्राफ्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की रेसिपी मैंने ऐसे बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाई है जो खाना खाने में आनाकानी करते हैं और फल खाना भी पसंद नहीं करते, लेकिन चॉकलेट फ्लेवर उनको बहुत पसंद आता है। अब ऐसे बच्चे पेट भर के खाना भी खाएंगे और उनको पौष्टिकता भी भरपूर मिलेगी। तो आइए बनाते हैं आज हम चॉकलेटी फ्रूटी फ्रैंकी। इसमें मैंने 3 टेबल स्पून मल्टीग्रेन आटा ले लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने चावल का आटा लिया है। पानी से मैं इसका घोल बना लूंगी, जैसे हम डोसा के लिए बनाते हैं इसी तरह का ये घोल बनाएंगे। थोड़ी देर इसको भिगो के रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए, फिर इसे अच्छी तरह फेंटेंगे। अब मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी है रंग लाने के लिए, आप चाहें तो येलो कलर भी डाल सकते हैं। अब विस्कस से इसे विस्क करेंगे, सारी गुठलियां इसकी निकाल देंगे, कोई गुठली बाकी इसमें न रहनी चाहिए। और स्वाद अनुसार इसमें नमक डालें। मैं इसमें 1/4 चम्मच डाल देती हूँ बेकिंग पाउडर ताकि ये डाइजेस्टिव बन जाए, हल्का हो जाए। और इसे अच्छी तरह मिक्स करके आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए मैंने इतना पतला गोल इसको बना दिया है, ये थोड़ा मैंने रख दिया है तो थोड़ी देर में और ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें मैंने चावल का आटा मिक्स किया है। चावल का आटा रखने से काफ़ी फूल जाएगा और थोड़ा गाढ़ा भी हो जाएगा। जब तक घोल तैयार होगा, इसी बीच में हम सारी तैयारी कर लेते हैं। ये मैं चॉकलेट मेल्ट कर लेती हूँ, थोड़ा सा मैंने पानी चढ़ा दिया है और ये मैंने चॉकलेट रख दी है ऊपर। कुछ ही मिनटों में ये चॉकलेट मेल्ट होकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए चॉकलेट अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है। मैं इसमें 1/4 कप दूध डाल दूंगी, मेरा दूध भी हल्का सा गर्म है, बिल्कुल चिल्ड दूध नहीं डालना है चॉकलेट में। तो गर्म चॉकलेट है और गर्म ही दूध मैंने इसमें डाला है, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे इसे। दूध डालने से ये चॉकलेट सॉफ्ट ही रहेगी, हार्ड नहीं होगी और इसे हम जहाँ भी इस्तेमाल करना चाहें आराम से कर सकते हैं। ये देखिए चॉकलेट का रंग भी बदल चुका है दूध मिक्स होने से, और इसमें फुल क्रीम ही दूध डालना है। इधर मेरा तवा गर्म हो चुका है, अब हम मल्टीग्रेन रोटी बनाएंगे। ये ठंडा कर दिया है मैंने, अच्छी तरह पोंछ दिया है और मैं अब इस पर डालूंगी पेस्ट। बहुत पतला ही हम पेस्ट फैलाएंगे और छोटी सी ही रोटी बनाएंगे क्योंकि हम इसे बच्चे के लिए बना रहे हैं। और उल्ट पलट कर अच्छी तरह घी लगाकर इसे सेक लेंगे। इसी तरह हम दूसरी ओर रोटियां भी तैयार कर लेंगे। अब ये रोटी अच्छी तरह सिक चुकी है, हम इस पर गरम गरम पर ही चॉकलेट लगा देते हैं। ये देखिए मैंने मेल्टेड चॉकलेट लगा दी है अच्छी तरह। अब इस पर रख देते हैं हम मैंगो की फांक जो हमने पहले ही काटी है। ये फ्रूट दूसरा भी हो सकता है, अगर आपका बच्चा मैंगो पसंद नहीं करता तो दूसरा उसका पसंदीदा फ्रूट आप इसमें रख सकते हैं। इस तरह चॉकलेट के साथ साथ आपके बच्चे को फ्रूट खाना भी अच्छा लगेगा। अब इसे टाइटली रैप करेंगे और ऊपर से फॉइल लगा देंगे ताकि पकड़ने और खाने में दोनों में आसानी रहे। तो हमारे चॉकलेटी फ्रूटी फ्रैंकीज तैयार हैं और उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी बच्चों को बहुत पसंद आएगी। बच्चा देखते ही खाए बिना नहीं रह सकता
और इस तरह बच्चे का पेट भी भर जाएगा और पौष्टिकता भी पूरी मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आप इस रेसिपी में कुछ बदलाव चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे फिर किसी अच्छी रेसिपी के साथ। धन्यवाद।